देश का ज्वलंत मुद्दा किसान बिल विरोध। जी हां, हम आपको बता दें, जहां किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर तो जारी है, लेकिन देश के गांव और क्षेत्रों के भी किसान इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित हैं। जैसा कि R9 भारत आपको हर मुद्दे पर जनता जनार्दन की राय सबसे पहले दिखाता है, आइए सीधे ले चलते हैं आपको हमारे संवाददाता केसी मिश्रा के पास, जिन्होंने किसानों से उनकी नाराजगी का कारण जाना और उनकी मनसा पूछी। देखिए R9 भारत की यह विशेष रिपोर्ट, जिसमें असहाय किसानों का दर्द साफ साफ झलक रहा है। किसानों की बदहाली MSP पर क्या बोलती है किसान यूनियन, ये आप लगातार देख रहे होंगे। दिल्ली में दिल्ली का घेराव किया जा रहा है, बाकायदा राजधानी में आने की हर कोशिश को नाकामयाब किया जा रहा है, विफल किया जा रहा है ये फोर्सेस के द्वारा। लेकिन क्या ऐसी कश्मकश कब तक चलेगी? और किसान अभी किसान हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सारे किसान हैं, और कहीं ना कहीं हर नागरिक जो इस कृषि प्रधान देश का नागरिक है वो कहीं ना कहीं से मोर देन पब्लिक, ज़्यादातर अधिकांशतः आवाम किसानों के बेटे हैं, भले वो किसी नौकरी में हो गए हों। कहाँ तक समझते हैं आप, ये किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और सरकार इसे नहीं मान रही है तो बात क्या है? पहले ये बताइए, किसान आंदोलन से आप सहमत हैं? जी, हम सहमत हैं। किसान को क्या है कि सर, वो उनका जो मैक्सिमम प्राइस है फसल का वो मिल नहीं पा रहा है, और दूसरी चीज़ कि खाद और बीज हर चीज़ जो है कि दाम बढ़ते जा रहा है, और जो किसानों का जैसे इस समय 1840 रुपये गेहूं का मैक्सिमम रेट है कि सरकार द्वारा मानता है, लेकिन आज वो लेने वाला सरकार है नहीं, और वो जाके बाजार में अगर हम लोग बनिया को तोलते हैं तो सर वो 1400-1300 रुपए में कहते हैं कि कौन पता ही नहीं है, क्या करें। तो हम किसान बेचारे परेशान हो कि आखिर उसको देना ही पड़ता, हमको वही देते हैं सर। इसलिए सरकार से मैंने ये बनाए कि उसका मूल्य जो है निर्धारित करे, कि इससे कम में अगर ले रहा है कोई तो उसको जो है कि दंडनीय अपराध माना जाए। सरकार इस फैसले को वापस लेना नहीं चाह रही है, कल कई दौर हुआ बैठकों का, लेकिन बात नहीं बन सकी अब तक की जो फाइनल रिपोर्ट है। अभी भी आंदोलन जारी है, किसान दो दो चार चार महीने का राशन वहाँ लेके पहुँचा है, बाकायदा खाना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा इस कड़ाके की ठंड में। आप लोग भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता के लिए भागीदार मान रहे हैं कि हम जाएंगे? जी जी, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम। पहले बात ये जान लीजिए कि मैंने जैसे हमारे पिताजी खेती करते करते चले गए, उसके बाद मेरा नंबर आया, मैं भी खेती कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा, अवस्था इतनी हो गई देख ही रहे हैं आप। उसके बाद जो मेरा बेटा आएगा, तो जब इसी तरह से लूट खसूट होती रहेगी तो ये बर्दाश्त के बाहर है, ये बर्दाश्त के बाहर है जी। चाचा आप बताएं, आप अपनी राय रखें कि किसान आंदोलन थमना चाहिए या होना चाहिए, और थमना चाहिए तो किन शर्तों पर? सरकार आपकी बातें कब मानेगी, क्योंकि आप भी किसान हैं, बताएं। ऐसी बात है कि सरकार इसको मानना पड़ेगा, किसान आंदोलन को मानना पड़ेगा, समझे ना। आज न माने कल मानेगी, परसों मानेगी, मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान बिल्कुल परेशान है इस समय। छुट्टा पशु जो हैं सब जायदाद खा जा रहे हैं, और तो हम क्या करें बताइए, जाड़े के दिन में हम खेत में बैठें कि अपने घर में सोएं? बहुत ही बिकट परिस्थिति है, बहुत बिकट परिस्थिति है। ये छुट्टा पशुओं का भी बहुत 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 बड़ा मसला है। आप बताइए, छुट्टा पशुओं से कितना आतंक है आपकी? अरे बहुत परेशान है साहब। कितना नुकसान है? नुकसान तो इतना कि रातों दिन के रखवारी करी, रखवारी करे में जब ठंडी मारी खत्म हो जावे। हाँ, अच्छा, जान का भी भय है? हाँ, है जान का भय। अच्छा, आपके बगल में एक आर्मी मेंबर भी रहे हैं, कभी आर्मी के सिपाही रहे हैं, ये भी अपनी राय रखें किसान आंदोलन पर और छुट्टा पशुओं पर, क्या बोलते हैं आप? मैं छुट्टा पशुओं पर श्रीमान बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, हमारी मुख्यमंत्री सरकार इस चीज़ का ध्यान दें। आप सच्चाई है सर, कभी नेता लोगों के परिवार आ करके, बड़े लोगों का परिवार आ करके रात के अंदर रात दिन, खाली रात में एक नाइट पानी खेत में कर दे, उसको समझ में आएगा किसानी का दर्द क्या है। तो जो गरीब है वही समझता है कि गरीब की बदहाली को पीड़ा क्या है, लेकिन अपने दुनिया में अपने देश के अंदर क्या संविधान की ये लोग बड़े लोगों को देना है हम लोगों को,
और हम गरीब के पास जो है कोई वो नहीं है कि हम अपने से अपनी ले सकें, तो कम से कम हमारा उनसे विनती है, विनम्र निवेदन है सरकार श्रीमान जी से, सरकार महोदय से, कि जब हर चीज़ हर मोल का रेट स्वयं तैयार आप करते हैं या सॉरी मोल के मालिक करता है, किसान जो दिन रात इस ठंड में हर कष्ट को झेल के परिवार बीवी बच्चों को छोड़ कर के खेत में पड़ा हुआ है, पानी डाल रहा है, इसके बाद बंसुरा के खा जा रहे हैं, छुट्टा पशु आवारा पशु वो खा जा रहे हैं, मजबूरी है कि जो है अगर ना रखाएं तो फिर आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम इतने कष्ट के बाद एक ही किसान अनाज पैदा करता है जो पूरे 90% हमारे देश का कारोबार खेती कृषि पे टिका हुआ है, तो क्यों ना इसका अधिकार इनको स्वयं में दिया जाए कि आप जितनी मेहनत करते अपना रेट तय करिए, आपको जितने में बेचना है बेचिए। ये मेरा सरकार के माध्यम से अपने गांव की तरफ से निवेदन है। चेतावनी तो नहीं दे रहे ना? नहीं नहीं, कोई चेतावनी नहीं है, बिल्कुल अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, प्रणाम करता हूं कि सरकार इन गरीबों के कष्टों को समझने की कोशिश करे। कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, रात रात भर जगाता है, एक नाइट बारात करने चला जाएगा, टेंशन उसका खेत में रहेगा, दिमाग उसका खेत में रहेगा कि हमारे कहीं पशु न खा जाए, हमारी फसलों को। आ9 भारत के लिए KC मिश्रा की रिपोर्ट, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।